गुड मॉर्निंग क्लास। आपने इसके बारे में पढ़ लिया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो हमने बताया था कि शुरुआत में फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन थोड़ी जब वो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में जो एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद जब कैथोड रेज निकली, उसके बाद जे जे थॉम्सन ने बहुत सारी मॉडिफिकेशन की, जिसकी वजह से उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो कैथोड रेज होती हैं, जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं इस कैथोड इलेक्ट्रोड पे, तो ये जो कैथोड रेज निकलती हैं, इनके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इतना हम कर चुके थे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोला गया, ठीक है, इतना हम कर चुके। उसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो जे जे थॉम्सन थे, उन्होंने बहुत अपना एक्सपेरिमेंट किए और उस हिसाब से E बाई एम का मतलब क्या होता है, E मतलब चार्ज, एम मतलब मास, तो चार्ज बाई मास रेशियो बोलते हैं इसे। जैसे आप देख पा रहे हैं, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने ये पता लगाया और यहाँ से उन्होंने कॉन्क्लूज़न निकाला कि चाहे हम गैसेस कितनी भी चेंज कर लें, उनके अंदर हमारे जो ई बाई एम रेशियो आती है वो हर सब्सटेंस की सेम आती है। इसका मतलब गैसेस अगर चेंज भी करें हम, तो हर गैस के लिए ई बाई एम रेशियो जो होती है वो कैथोड रेज के लिए सेम आ रही है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमने ये निकाला कि क्योंकि वो हर एक में से आ रही हैं, तो फंडामेंटल पार्टिकल जो है किसी एटम का, वो इसे होना ही चाहिए। और फिर इसे नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, कि एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हर एक में पाया जाता है। क्योंकि कैथोड रेज जो होती हैं वो रेज हैं जिनके अंदर क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कुछ नहीं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बात करते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे था। देखो, ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे किया क्या है इन्होंने, देखो कैथोड है, कैथोड से रेज निकली है, जो ये आपको रेड कलर की दिख रही है ये रेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, दो चीज़ें लगाई हुई हैं, अगर आपको देख पा रहे हो, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। तो आपको पता है, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसका मतलब और कुछ मत देखो आप, सिंपल ये देखो कि कैथोड रे आई और उसको मिला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, कौन सी प्लेट की साइड अट्रैक्ट होंगे, वो पॉजिटिव की साइड होंगे, इस वजह से उनका जो रास्ता होता है वो यहाँ पे आता है। तो कौन से पॉइंट पे आया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ए पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो ए पॉइंट पे आता है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा किया एक्सपेरिमेंट, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड लगाया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो यहाँ पर आपको इतना भी पता होगा कि जो चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उनके सराउंड क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ये पता है ना आप लोगों को। तो इसी वजह से जब यहाँ से पास किया गया, तो उसके ऊपर जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, तो वो डेविएट होके इस पॉइंट पे आई। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब लगाया सिर्फ, तो सी पॉइंट पे उसका फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे पॉइंट आया, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ए पॉइंट पे आया। और जो ये बी पॉइंट है, ये तब आया था जब ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था और ना ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया था। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था जब कुछ नहीं था, या इन दोनों को बैलेंस करने के बाद आया था, कि इतना लगाया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट फील्ड दोनों एक साथ लगाए जाएं और बराबर बैलेंस करके इस टाइप का करा जाए कि कोई डेविएशन ना आए। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, देख सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव प्लेट की साइड हुए थे, इसका मतलब क्या हुआ, उनके पास नेगेटिव चार्ज है, तो पहले भी हम कर चुके थे। लेकिन कितना डेविएट होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, देख सीधी सी बात है, अगर किसी पार्टिकल, कैथोड रे जो पार्टिकल कहें जिनके अंदर, अगर इनके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता, सीधी सी बात है ना। पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, अगर नेगेटिव बहुत ज़्यादा होगा तो वो तो खुश हो जाएगा पॉजिटिव के पास और जल्दी जाएगा, है ना। तो ये डेविएशन जो है वो ज़्यादा आता, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया, इसका मतलब इतना चार्ज उनके ऊपर नहीं है, कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये जो ई बाई एम इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पता लगाई और वो इस कॉन्क्लूजन पर आए कि जो ई बाई एम रेशियो है वो ये है, ये जे जे थॉम्सन ने पता लगा लिया, और ये भी पता लगा लिया था कि ई बाई एम सबका सेम आ रहा है। उसके बाद आ रहे हैं हम चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। जो मिलिकन थे, आर ए मिलिकन,
उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया एक, कौन सा? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकाला, जो चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और उन्होंने यही वैल्यू निकाली थी। और आगे माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखो ई की वैल्यू रख दी, ई की वैल्यू उन्होंने निकाली थी 1.6 × 10⁻¹⁹। आजकल ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल मेथड से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकाली, तो वो है 1.602176 × 10⁻¹⁹। हमने ये वैल्यू रख दी, चार्ज की रख दी, मास हमें ई बाई एम हमने कहाँ से निकाला था? ध्यान करो, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने दिखाया था आपको ई बाई एम की वैल्यू निकाली थी, जे जे थॉम्सन ने वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो देखो अगर ई तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब किसकी वैल्यू आ गई? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इस तरीके से हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया हमारे पास 9.1094 × 10³⁻³⁹ kg। तो ये जो होता है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हमें देखो तीनों चीज़ें पता चल गई हैं। क्या पहले पता चली थी हमें ई बाई एम, उसके बाद हमें पता चला ई, और क्योंकि जब हमें इन दोनों का पता चल गया तो इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? एम की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमें तीनों चीज़ें पता चल गई। तो अब आपको चार्ज पता है, आपको मास पता है, तो अब आप ध्यान रखना इनका मास, क्योंकि ये यूज़ होता है। तो आप क्या क्या याद रखना है, बस आपको ई बाई एम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ये दो चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे। तो जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है वो गोल्डस्टीन के नाम है। कौन से साइंटिस्ट के नाम है? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन जी ने क्या किया था? गोल्डस्टीन ने वही एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ किया था। जैसे आपने यहाँ पर इस साइड क्या लिया था, देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है कैथोड, यहाँ पे लिया हमने एनोड, और हमने यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी, याद आ गया? उसने उन्होंने क्या किया है, जो गोल्डस्टीन जी ने, उन्होंने क्या किया, ये डिस्चार्ज ट्यूब सब कुछ सेम है। अब की बार जो है जो चेंजेस किए हैं वो ये किए हैं, पहला चेंजेस तो क्या किया है कि यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन निकाल दी, कैथोड के पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। दूसरा चेंज क्या किया, जो यहाँ पर गैसेस हैं उनकी मात्रा। और तीसरा चेंज क्या किया, यहाँ पर जो ये कैथोड है ये ऐसे प्लेट नहीं है, इसको क्या कर दिया उन्होंने, परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड का मतलब क्या कर दिया, छेद नुमा, ठीक है ना? तो ये समझ लो जैसे छलनी होती है ना, जो हम पकौड़े वगैरह उतारते हैं ऐसे, तो इस टाइप की। पहले क्या थी वो, बिल्कुल सिंपल प्लेन, अब की बार क्या कर दिया उसको, उसके अंदर बना दिए होल, छेद कर दिए। अब छेद कर दिए तो क्या होगा कि अगर कोई चीज़ होगी तो निकल के यहाँ पर वापस टकरा जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे टकराई है। तो यहाँ पे उन्होंने ये पता लगाया कि जब ऐसे किया तो यहाँ पर भी जो कैथोड के पास उन्होंने फ्लोरोसेंट लगाई थी ना, वहाँ पर भी चमकने लग गई एक जगह पे जाके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर सिंटिलेशन हो रहा है, इसका मतलब कोई चीज़ टकराई है वहाँ पर, पता चल रहा है कि वहाँ पे टकराई है। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि ये कहाँ से आ रही हैं, सामने से, तो उनको नाम क्या दे दिया गया, एनोड रेज। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन इनको हम एनोड रेज बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। क्यों? पहले तो एक बात मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, एनोड रेज का दूसरा नाम क्या होता है, कैनाल रेज। क्या नाम होता है? कैनाल रेज। अब इनका नाम जो मैं बोल रही हूँ कि एनोड रेज गलत है, ये कैसे दे दिया, गलत क्यों दिया है? देखो कैथोड रेज जो थी, कैथोड रेज इसलिए कैथोड नाम था क्योंकि कैथोड से निकली थी, ठीक है ना? भाई सीधी सी बात है, जो जिससे निकल रही है उसका नाम दे दिया कि जो रेज कैथोड से निकली वो कैथोड रेज। बट एनोड रेज जो है वो एनोड से नहीं निकली, इसलिए ये नाम जो है वो गलत दिया। क्यों दिया? क्योंकि देखो एनोड गलत क्यों बोल रहे हैं हम, एनोड में क्यों नहीं है ये आप डिस्चार्ज ट्यूब जो देख पा रहे हैं, ठीक है, तुम इसको परफोरेटेड मान लेना कैथोड को इस साइड, क्योंकि मैं तो जे जे थॉम्सन वाला एक्सपेरिमेंट दिखा रही हूँ ना आपको। तो यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले तो तुम बात समझो कि जब हम ये पूरा सेटअप करते हैं,
ये हाई वोल्टेज लगाते हैं, प्रेशर कम करते हैं, यहाँ पे कैथोड रेज निकलती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जो ये कैथोड रेज निकल रही हैं, यहाँ पर मैंने बोला था कि कोई गैसेस हैं इस पूरे वैक्यूम के अंदर, यहाँ वैक्यूम पूरा क्रिएट नहीं किया है, थोड़ा बहुत है इसके अंदर, तो ये क्या है, इसके अंदर गैस है। और जब यहाँ पर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो तुम ये सोचो इतना हाई वोल्टेज है और इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी, आप सोच के देखो। आपके घर में बिजली एक सेकंड में आ जाती है, 220 वोल्ट का होता है, 10,000 वोल्ट, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड हो रखी होगी। और जो वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, वो जो गैस बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर बीच में गैस के पार्टिकल होंगे ना, अब जो वो इन पार्टिकल से टकराएगी, तो जो ये गैस के पार्टिकल होते हैं, इनके अंदर से क्या निकलना शुरू हो जाते हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। समझ में आया? अब किसी मान लो मैंने हाइड्रोजन लिया, हीलियम, मान लो हीलियम गैस रख रखी थी, अगर मैंने इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। देखो इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रेज में मिल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे कैथोड रेज में, तो कैथोड रेज तो ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन तो चला गया, लेकिन ये पॉजिटिव स्पीसीज कहाँ जाएगी, बताओ कहाँ जाएगी, इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस, तो ये कहाँ जाएगी, माइनस की साइड, तो कैथोड रेज की साइड जाएगी। इसी वजह से जो यहाँ पर जिंक सल्फाइड की फ्लोरसेंट स्क्रीन लगाई थी, वो चमकने लग गई थी। तो यहाँ पर कोई भी गैसेस के पार्टिकल होंगे, वो क्या हो गए, वो आयनाइज हो गए, क्योंकि उनके अंदर से जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन टकराए, तो उनके इलेक्ट्रॉन निकल के वो पॉजिटिव बॉडी बन गई, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस वजह से वो किसकी साइड अट्रैक्ट होने लग गए, नेगेटिव की साइड, और यहाँ पर आने लग गए। तो अब बताओ, क्या एनोड का कहीं जिक्र आया था, नहीं आया था। इसका मतलब हुआ क्या था, हुआ ये था कि कैथोड से रेज निकली, यहाँ पर कोई गैस मौजूद थी, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ने इनको टकराया, यहीं पर बने, और इलेक्ट्रॉन तो चले गए इधर, और जो पॉजिटिव स्पीसीज चली गई इधर। एनोड का तो कहीं नाम ही नहीं आया ना, एनोड से तो कुछ बना ही नहीं, इसलिए एनोड हम बोलते हैं, एनोड रेज गलत बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद इनको कंक्लूजन निकाला कि जो ये गैसेस बार बार बदल रहे हैं हम, तो उनका ई बाई एम जो है डिफरेंट आता है। किसके लिए डिफरेंट आता है? डिफरेंट गैसेस के लिए। आप याद करो, कैथोड रेज के लिए वैल्यू क्या आई थी, सबकी सेम आई थी, लेकिन इनके लिए ई बाई एम की वैल्यू क्या आ रही है, सबकी अलग अलग आ रही है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, एनोड रेज के अंदर जो पार्टिकल है वो कौन से का है, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकला, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो वो नेगेटिव प्लेट की साइड अट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव हैं। तो अब हम पढ़ते हैं क्या क्या कॉन्क्लूजन निकाले गए थे। तो देखो, अनलाइक कैथोड रेज, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन कैथोड रेज। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि गैस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा उनका आया था, चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट आ रही है, अभी इसी दिन आएगी ही। देखो, जो चार्ज पार्टिकल जो उसके अंदर थे कैथोड रेज में, उनमें तो इलेक्ट्रॉन था, सब इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है, लेकिन अब तुम सोच के देखो, अगर मैंने हीलियम रखी है तो ये हीलियम प्लस बन रहा है, ऑक्सीजन रखी है तो ये ऑक्सीजन प्लस बनेगा, या ऑक्सीजन टू प्लस बनेगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन प्लस बनेगा, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, और इसका मास अलग है, तो हर पार्टिकल का गैस चेंज कर देंगे तो मास ऑफ चार्ज पार्टिकल जो आएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एनोड रेज जिसे मान रहे हैं हम, वो हर केस में अलग आएगा कि नहीं। इसी वजह से उनका ई बाई एम भी क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, क्योंकि उनका चार्ज बेशक बराबर हो, लेकिन मास तो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो उसके बाद सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैरी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ऐसा हुआ था कि किसी में, जैसे मान लो हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक प्लस आएगा ना, चार्ज प्लस आया, लेकिन अगर किसी में दो प्लस निकल गए तो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितना चार्ज आएगा, डबल, टू प्लस, तो इस वाले से कितना चार्ज है, इसका इसका डबल चार्ज है। तो इसका मतलब भाई जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस हिसाब से उसका क्या हो रहा है, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा चार्ज आ रहा है। द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर द कैथोड। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और उसका एग्जैक्टली अपोजिट चार्ज होता है एनोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट
एटम कौन होता है हमारे पास, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का निकाला गया। तो हाइड्रोजन से जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन से एच प्लस बनेगा, तो इसका नाम दे दिया गया प्रोटोन। सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसका नाम दिया गया प्रोटोन, ठीक है ना। और अब आपको पता है कि प्रोटोन हम किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटोन। तो प्रोटोन किस लिए बोलते हैं, देखो ये सुनो आप, तुम प्रोटोन क्यों बोलते हैं हाइड्रोजन वाले को। देखो हाइड्रोजन का एक होता है, तो इसका मतलब, एक का मतलब इसके पास क्या हो गए, जिसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, ये खो दिया इसने, तो खो दिया तो अब इसके पास सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन। इसीलिए प्रोटॉन को हम किसके बराबर कर देते हैं, एक एच प्लस के। ये बात समझ में आ गई, तो अब हमने ये बात पता लगा ली कि प्रोटॉन्स होते हैं वो क्यों, एच प्लस, हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो सबसे छोटा वही पॉसिबल है। उसके बाद क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रॉन का पता चला, प्रोटॉन का पता चला, लेकिन जो अब मास जब हम निकालते थे, मास जो किसी परमाणु का मास होता है ना, एटॉमिक मास, वो जब निकालते थे वो हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यूज से ज़्यादा निकलता था। मतलब एक्चुअल में उसका मास क्या होता था, फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन है, अब उन्होंने बोला कि भाई 7 प्रोटोन है तो इसका मतलब इसका एटॉमिक मास होना चाहिए 7, जबकि नाइट्रोजन का कितना होता है 14। तो वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो एक्स्ट्रा मास है ये किस वजह से आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा था क्योंकि उस वक्त न्यूट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी, और न्यूट्रॉन की खोज फिर हुई, और नाम था उसका, जो साइंटिस्ट जिन्होंने की, उनका क्या नाम था, चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है। जो चैडविक है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। स्कैटरिंग में क्या किया था, स्कैटरिंग में हमने क्या किया था, ये बरीलियम जो है, ये देखो बरीलियम जो होता है ये हमने लिया और उसकी बम्बार्डमेंट करवाई अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल पे होता है ये, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या लिखा, अगर समझ में ना आ रहा था, अल्फा जो होते हैं, अल्फा रेज होते हैं जिनके ऊपर प्लस 2 चार्ज होता है, उसका मास जो होता है वो 4 होता है, ठीक है। और उनकी बरीलियम से शैडविक जी ने एक्सपेरिमेंट से स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया, और ये बरीलियम कितना होता है आपको पता हो तो, 4 होता है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पर एक तो न्यूक्लियस दूसरा बन गया, देखो 4 और 2 6 कितना हो गया, 6 हो गया ना। और फिर यहाँ पर जो बना वो एक पार्टिकल निकल के आया जो वो समझ नहीं पाई कि चीज़ क्या है, क्या थी वो, ये क्या थी। देखो बरीलियम के ऊपर मैं पूरा लिख देती ना, 9 एटॉमिक मास होता है, तो 9 और 4 कितने हो गए, ये 13। तो एक तो इसके पास है और ये बन गया। अब देखो क्या लिखा है मैंने, कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो बरीलियम का जो एटम था, जब इस अल्फा रे से बम्बार्ड किया गया तो ये एक तो कार्बन का एटम बना, ये तो जाना पहचाना था, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और निकल के आई सामने, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, क्योंकि चार्ज न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं होता, न्यूट्रल होता है। लेकिन उसके पास मास है, यहाँ पर जो लिखा है वो क्या है, 1। 1 का मतलब उसके पास एक मास होता है, एक यूनिट मास होता है, जितना प्रोटॉन के पास होता है उतना ही न्यूट्रॉन के पास होता है। तब ये पता चला कि जो एटॉमिक मास होता है वो 2 के मिलने से बनता है, 2 कौन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत बहुत कम होता है एज़ कंपेरिजन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, इसलिए इसका मास नहीं कंसीडर किया जाता, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो मैं अभी तुम्हें लिख के दिखाती हूँ, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है अभी तुमने पढ़ा था कितना होता है, 9.1×10⁻³¹ kg। और अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रही हूँ बेटा, प्रोटॉन बराबर है न्यूट्रॉन, वैसे न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, लेकिन लगभग बराबर होता है, तो 1.67×10⁻²⁷ kg। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखो, आप कितने का फ़र्क है, इनके 10⁻⁴ का फ़र्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 10⁻²⁷ है, 10⁻³¹ है, कौन सा बड़ा हुआ,
ये बड़ा हुआ, क्योंकि माइनस जितना कम होगा उतना ही बड़ा होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन के, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता। सिर्फ एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जमा करने से ही हम लेते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको पता चल गया है क्या, कि एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बनता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन की संख्या ही होती है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, एक परमाणु के अंदर एक एटम के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद हमारे एटॉमिक मॉडल शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने जो कर लिया है तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल कर लिए हैं। एक बार मैं फिर दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ कि जो एटम होता है उसके अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज शैडविक ने की थी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आज का काम। आज आपने पूरा अच्छी तरीके से लिखना है इन चीज़ों को। थैंक यू क्लास।